दो सगे भाइयों को सांप ने डसा, झाड़फूंक के बाद हुए सही। कुछ देर बाद दोबारा बिगड़ी हालत, तो फिर हुई झाड़फूंक, एक की मौत, दूसरा गंभीर। मामाओं के बीच सो रहे भांजे सुरक्षित। मृतक खुद चलकर लाया बाइक, मृतक को फिर ले गया झाड़फूंक कराने। कोलारस के ग्राम भाटी निवासी राजेश परिहार के दो बेटों अरुण 20 साल और राहुल 18 साल को बीती रात 12 बजे जहरीले सांप ने डस लिया। पहले छोटे भाई को डसा, वो माँ के पास गया तो ये कहते हुए सो गया कि इसे चूहे ने काट लिया है। कुछ देर बाद बड़े भाई को अपना निशाना बनाया, अरुण ने सांप को देख लिया। उसने परिवार वालों को बताया कि सांप ने उसे डस लिया है। ये बात सुनते ही परिवार वाले समझ गए कि राहुल को चूहे ने नहीं बल्कि सांप ने डसा है। दोनों युवकों को परिवार वाले झाड़फूंक कराने रजौदा गांव ले गए, जहां दोनों सही हो गए। परिवार वाले उनको गांव के मंदिर ले आकर आए और बाद में घर गए। घर पहुंचने के बाद दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ी तो दोबारा परिजन झाड़फूंक के लिए नेतवास ले गए। वहां लगातार प्रयासों के बाद हालत नहीं सुधरी, जहां पर एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां से उन्हें लौटा दिया गया। आखिर में परिवार वाले दोनों भाइयों को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर राहुल को मृतक घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि उपचार के बाद राहुल की हालत में सुधार हुआ था, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इसके चलते ग्वालियर रेफर किया गया है। इस घटना में चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि दोनों मामाओं के बीच उनके भांजे सो रहे थे, सांप ने दोनों भाइयों को ही डसा, बीच में सो रहे भांजे पूरी तरह सुरक्षित हैं।